थोड़ी डर वाली फीलिंग आ रही है। ये डर टाइप की फीलिंग नहीं है, एक्चुअली डर है। वैसे किस बात का डर? लाइफ के लिए इतना बड़ा डिसीजन लिया है तो कहीं वो गलत ना हो जाए। अगर लाइफ में आगे क्या होगा ये पहले से ही पता होगा तो मजा कैसे आएगा। लाइफ लाइक एक नॉवल की तरह है, किसी को नहीं पता कि अगले पन्ने पे क्या है, इसीलिए तो एक्साइटमेंट होती है, इसीलिए तो मजा आता है। इसीलिए टेंशन मत लो, बस पन्ना पलटो। और हाँ, अगर हम उन 50% वालों में से हुए जिनका एक्सीडेंट हो जाता है तो अगर यहां से बच गए ना तो लाइफ को और खुद को एक दूसरा मौका जरूर देना। ओके रेडी गाइस, योर हेलमेट। थैंक यू। ओके रेडी स्टडी एंड गो। बिल्डिंग्स बहुत छोटी लग रही हैं। लाइफ में ऐसा ही होता है, जब आप लाइफ में ऊपर उठ जाओ ना तो हर प्रॉब्लम हर मुसीबत छोटी लगने लगती है। कैसा लगा? BFF, अब टाइम मिला है आपको? सॉरी BFF, वो काम में थोड़ा बिजी था। एनीवेज, तुम्हारा मैसेज देखा, बताओ क्या हुआ? बड़ी माँ मेरी शादी करवाना चाहती है। क्या बात है, तो
कौन है वो तकदीर का मारा? BFF? मजाक कर रहा हूँ। So tell me, who's the lucky guy? कौन है, क्या करता है, कैसा है? मुझे सारी डिटेल चाहिए। लव मैरिज अरेंज्ड। अभी एक्सप्लेन करती हूँ आप लोगों को। मुझे आपकी बेटी पसंद है। मुझे मिष्टी पसंद है। तो शादी अबीर से है? नहीं बाबा, कुणाल से। पर कुणाल का रिश्ता तो कुहू के लिए आया था। यार तुम्हारी स्टोरी शुरू होके 2 हफ्ते नहीं हुए और इतनी फैल गई है। मैं बहुत कंफ्यूज हूँ यार। कुहू का रिश्ता कुणाल के लिए था? हाँ, लेकिन कुणाल की माँ को लगा कि मिष्टी उनके बेटे के लिए ज्यादा अच्छी है और मैं फंस गई। मैं शादी नहीं करना चाहती हूँ। क्यों? क्योंकि मैं उसे अच्छे से जानती भी नहीं हूँ। मुझे उसके बारे में कुछ भी नहीं पता है। तो पता करो ना। कैसे करूँ? उसी से पूछूँ? हाँ हाँ सही है, पूछ ले उसी से। बुरा होगा तो खुद ही बता देगा ना। स्टूपिड। मिष्टी, किसी को जानने के लिए उसके साथ वक्त बताना पड़ता है। मैंने और कार्तिक ने भी तो हमारी शादी से पहले एक साथ कितना वक्त बताया था, तभी तो आज भी हम एक दूसरे को इतना समझते हैं। पर आप दोनों की तो लव मैरिज थी ना? लव अरेंज्ड ये सिर्फ लेबल है मिष्टी। शादी बस शादी होती है, और दुनिया की हर शादी में अगर कुछ कॉमन होता है तो वो है वो दो लोग जो एक दूसरे से वादा करते हैं पूरी लाइफ साथ बिताने का। और अब अगर वही दो लोग एक दूसरे को नहीं समझेंगे तो लाइफ आगे कैसे बढ़ेगी? राइट। और तेरी लाइफ आगे बढ़ाने के लिए मैं तेरी मदद करूंगा। मैं पता करता हूँ ये लड़का कौन है, कैसा है, क्या करता है, हर चीज मालूम कर लूंगा। पता है, मैं उससे अब तक जितना भी मिली हूँ ना, उसने बहुत अच्छे से बिहेव किया है और उसने मेरी काफी हेल्प भी की है। मतलब चांस तो है लाइफ में। अगर यहाँ से बच गए ना तो लाइफ को और खुद को एक दूसरा मौका जरूर देना। मुझे भी किसी ने बताया था कि लाइफ को चांस तो देकर देखो, और जब तक चांस नहीं दोगी तब तक जानोगी कैसे। क्या बात है, कौन इतनी अच्छी अच्छी बातें कर रहा है तेरे साथ? नुकसान या फायदा तो तब पता चलेगा जब तू उस लड़के को हाँ कहेगी। उसने भी यही कहा था कि कई बार आंख बंद करके कूद जाना भी कोई बुरा आइडिया नहीं होता। उसने? किसने? अबीर ने। जिस लड़के का रिश्ता है उसी ने तुझसे कहा है कि हाँ या ना करे? नहीं कार्तिक, वो कुणाल है। कुणाल कौन है? जिसका रिश्ता आया है। हाँ तो वही तो मैं भी कह रहा हूँ। नहीं कार्तिक, मिष्टी अबीर की बात कर रही है। मुझे तो लगता है मैं ही तेरी शादी गलत लड़के से करवा दूंगा। बहुत हो गया मजा। मैं सीरियसली एक बात कहूँ? हाँ प्लीज। मेरे मम्मी पापा बहुत लकी थे, बिना एक दूसरे को देखे जाने शादी के बाद ऐसा बैलेंस बनाना हर किसी की किस्मत में नहीं होता। लेकिन टाइम बदल गया है मिष्टी। सिर्फ किसी का चेहरा देखकर पूरी जिंदगी बिताने का फैसला नहीं किया जा सकता। ना तू कर सकती है ना वो। ये फैसला तुम दोनों का है, और फैसला लेने का हक भी दोनों को बराबर है ना? काश कि मैं जिससे शादी करूं मुझे उसे समझने का वैसा ही मौका मिले जैसा आप दोनों को मिला था। आपके मनोरंजन पर अब नहीं लगेगा कोई ब्रेक। स्टार प्लस के बेहतरीन शोज देखने के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें स्टार प्लस YouTube पेज को।